अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कुकनोलॉजी में आपको खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी रशियन सैलड, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी। इफ्तार में फ्रूट्स तो हर कोई लाइक करता है, लेकिन अगर रशियन सैलड या फ्रूट सैलड हो जाए तो क्या ही बात है। आज जो मैं रशियन सैलड बनाने जा रही हूँ, ऐसा तो आपने किसी रेस्टोरेंट्स में भी नहीं खाया होगा। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। मुझे चाहिए आधा कप मायोनेज और इसमें ऐड की आधा कप क्रीम, ये टेट्रा पैक क्रीम है। अब इसमें शामिल करूंगी एक खाने का चम्मच चीनी, एक चाय का चम्मच काली मिर्च और इसमें ऐड करूंगी आधी चाय की चम्मच नमक। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूंगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करूंगी एक अदद केला, जिसको मैंने इस तरह से पीसेस में काट लिया है, एक अदद सेब और कुछ अंगूर जिनको मैंने हाफ बीच में से काट लिया है, उबली हुई चिकन ऐड करूंगी, उबले हुए आलू, थोड़े मटर और बेबी कॉर्न्स बॉईल करके ऐड करूंगी, कुछ टिन पैक वाले फ्रूट्स ऐड किए जिनमें पाइनएप्पल और लीची वगैरह है, दो खाने के चम्मच किशमिश ऐड की, दो खाने के चम्मच ही अखरोट ऐड किया, थोड़ा सा क्रश कर लिया, कोई 15-20 बादाम ऐड किए छिलका उतार के बीच में से काट के। अब अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करूंगी, बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करूंगी, कचूमर नहीं बनाना इनका। वैसे तो मैंने तमाम चीज़ों की क्वांटिटी परफेक्ट रखी है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और क्रीम की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक करें। देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और हेल्दी रशियन सैलड रेडी है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।